में रूह मौजूद होती है तो इंसान हरकत करता है, इंसान खाता है, इंसान सांस लेता है, इंसान चलता है, इंसान फिरता है। आपने देखा होगा कि जब किसी इंसान की रूह कब्ज़ हो जाए तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसकी आंखें बंद करते हैं, उसके पांव सीधे करते हैं, उसके हाथ सीधे करते हैं। क्यों? वो आंख जो एक लम्हे में कई मर्तबा झपक जाती थी, अब उसने झपकना छोड़ दिया, क्योंकि उससे रूह निकल गई है। वो हाथ जो बात बात पर हरकत करता है, इशारों की जुबान में भी बातें करता है, इधर से जुबान से गुफ्तगू निकल होती है, इधर से हाथ अपनी बातें करके इशारे के साथ समझा रहा होता है, लेकिन जब रूह निकल गई तो वह हाथ अब जहाँ का था वहीं पर रहा। इसीलिए उलामा और मुहदसिन ने लिखा है कि जिस तरह जिस्म की गजा के लिए हमें खुराक, तंदुरुस्त और आबो हवा की ज़रूरत होती है, इस तरह हर बंदा मोमिन को अपनी रूह की गजा का भी एहतमाम करना चाहिए। और रूह की गजा क्या है? ये अल्लाह का जिक्र है। रूह की गजा क्या है? ये ईमान का नूर है। रूह की गजा क्या है? ये तकवे का नूर है। रूह की गजा क्या है? कि इंसान गुनाह को छोड़कर हमेशा नेकी में लगा रहे। वो एक नेकी करेगा, उसके जो दुनियावी दराजात और उखरवी दराजात तो बुलंद होंगे ही होंगे, उसकी रूह के अंदर इस तरह ताजगी आती है कि जिस तरह सुबह सुबह बादे नसीम चलती है और शबनम जब बरसती है तो कली खिलकर फूल बनती है। इस तरीके से सूफिया इकराम लिखते हैं, मुहद्दिसीन लिखते हैं, उलामा लिखते हैं कि जिस शख्स की जबान और दिल खुदा के जिक्र और अल्लाह की याद से और नेकी के नूर से हर वक्त मुतहर्रिक हो, इतनी उसकी रूह के अंदर इस तरह ताजगी रहती है जैसे गुलाब का ताज़ा ताज़ा फूल खिलता है, तो उसकी महक पूरे इलाके को महका देती है। इसलिए फरमाया कि अपनी रूह का ख्याल है रखा करें। और उलमा और मुहदिसीन ने गुज़श्ता दर्स में आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि अल्लाह के नबी के लिए ऐलान नबूवत करना ज़रूरी होता है, और वली की वलायत का ऐलान मेरा रब खुद फरमाता है। अब उलमा और मुहदिसीन ने लिखा है कि जिस वली की वलायत का ऐलान अल्लाह ताला खुद फरमाता है, उस वली के आमाल का हिमतान भी खुदा खुद लेता है। क्या करता है वो? अल्लाह ताला की तरफ से एक क्राइटेरिया है, अल्लाह ताला की तरफ से एक जो है वो उसूल है कि जब वो बंदा मोमिन उस पर कारबंद हो जाता है कि अपने आप को उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है वली के लिए, कि वो मुखलिस हो। क्या हो? मुखलिस से मराद यह कि खालिस, अल्लाह ताला की तरफ से उसको जो इल्म दिया गया है उस इल्म के अंदर भी खलूस हो, जो वो अमल करता है उसके अमल के अंदर भी खलूस हो, उसका जो जाहिर है वो भी जाहिर पर भी खलूस हो और उसके बातिन पर भी खलूस हो। और जब ये इस मर्तबे पर इंसान फाइज हो जाता है तो फिर खुदा की तरफ से उसकी वलायत का ऐलान किया जाता है, और जब अल्लाह की तरफ से वलायत का ऐलान होता है तो फिर ना पोस्टर लगाने की ज़रूरत पड़ती है, ना सोशल मीडिया पर इश्तिहार देने की ज़रूरत पड़ती है, ना टीवी चैनल्स पर इश्तिहार चलाने की ज़रूरत पड़ती है। फिर दरो दीवार, शजरो हजर, सातों ज़मीनें और सातों आसमान और चांद और सितारे पहचानते हैं कि ये अल्लाह का वली है, ये खुदा का वली है। इसलिए हजरत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि ऐ इंसान, अगर तू मनसबे वलायत की शारा पर गामजन होना चाहता है तो सबसे पहले अपने अंदर इखलास पैदा कर, सबसे पहले अपने अंदर सच्चाई पैदा कर। फरमाया कौल के अंदर सच्चाई हो, फेल के अंदर सच्चाई हो, अमल के अंदर सच्चाई हो। तो फरमाया जिस इंसान को कौल, अमल और फेल के अंदर सच्चाई मिल जाए तो वो फिर नेकी के रास्ते पर चल जाता है, और जो नेकी के रास्ते पे चले खुदा उसको गुनाह से महफूज कर देता है। इसके ऊपर हजरत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पेश की है कशफुल माजूब शरीफ के अंदर। आप फरमाते हैं कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने अमर रदी अल्लाह ताला अन्हो नबी अलैहि सलातो वसलाम की बारगाह के अंदर
हाजिर हुए, मौजूद थे। फरमाते के वान अब्दुल्लाह इब्ने अम्र रदी अल्लाह ताला अन्हुमा, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अम्र रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से रवायत है कि अन्ना रजुलन जाआ इलन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अम्र कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह लगी थी, हम लोग नबी पाक की बारगाह में मौजूद थे, इतने में एक शख्स नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ। क्या हुआ? एक शख्स नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ, तो उसने नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में सवाल किया। सवाल क्या किया? फ़काला, तो उसने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए अल्लाह के रसूल आप पर दुरूद व सलाम हो, मा अमलुल जन्नते। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि खुदाबंदे कुद्दूस ने हमें आपकी सोबत अता फरमाई, आप पर ईमान की सआदत और आपकी ज़ियारत और आपकी सोबत में बैठने का शर्फ हासिल किया। ए अल्लाह के हबीब, कोई ऐसा अमल बता दें कि जो दुनिया में हम से वो अमल हो तो हमें खुदा उसके बदले में जन्नत अता फरमाए। क्या कर दे? इस आसान तर्जमा में थोड़ी भी तुहानू समझा दें कि किसे अल्लाह दे बंदे ने आन के, किसे सहाबी या रसूल ने आन के नबी पाक की बारगाह भी सवाल किया कि या रसूल अल्लाह मैनु वो अमल दसो जड़ा मैं करा तो मैनु जन्नत मिल जाए उसके बदले। तो कहते हैं जब उस शख्स ने ये सवाल किया तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जन्नत जाने का रास्ता और जन्नत जाने का अमल बताया। हुज़ूर ने फरमाया काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस शख्स का सवाल सुनकर फरमाया असिद्को। हुज़ूर ने फरमाया कि जन्नत जाने का सब तो वड्डा अमल ये है कि इंसान हर हाल में अपने रब की बारगाह में और हर हाल में सच बोले। क्या करे? फरमाया जो इंसान हर हाल में सच्चाई पर कायम रहता है, हर हाल में सच बोलता है, जाहिरन सच बोलता है, बातिनन सच बोलता है। कुछ लोग होते हैं जो जाहिरी मुंह पर सच तो बोल देते हैं लेकिन बातिन से वो मुखलिस नहीं होते। इसलिए फरमाया कि इंसान को सबसे पहले अपने अमल के अंदर इखलास पैदा कर दे, और जिसके अमल में इखलास पैदा हो जाए तो उसका कौल और फेल सच्चाई पर मुश्तमिल होता है। और फरमाया जिस माशरे के अंदर सच आ जाए उस माशरे को कभी जवाल नहीं आता। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जन्नत जाने का सबसे बेहतरीन रास्ता क्या है कि इंसान हर हाल में, मजलस में हो, तन्हाई में हो, घर में हो, दोस्तों की सोबत के अंदर हो, सोसाइटी के अंदर हो, जिंदगी के जिस शोबे से भी वो ताल्लुक रखता हो या उसकी जो भी जॉब हो अपनी जिंदगी के अंदर, उसमें वो कभी झूठ ना बोले, सच्चाई पर कायम रहे। हुजूर ने फरमाया ये रास्ता उसको जन्नत के रास्ते की और सिरात मुस्तकीम की तरफ लेकर जाएगा। यही वजह है कि सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो कि जब वलायत का जहूर हुआ और सारी दुनिया ने जब आपको पहचाना और कदम कदम पर आपकी करामात जाहिर होना शुरू हो गई, तो किसी ने आपसे सवाल किया कि हुजूर ये जो अल्लाह ताला ने आपको इतना बड़ा मनसब वलायत अता किया कि आप मर्तबा गौसियत पर फाइज हैं, आपकी वलायत का मदार क्या है? क्या मतलब? इसका मतलब ये आपको ये जो वलायत में अल्लाह ताला ने इतना बड़ा मर्तबा अता फरमाया इदे पीछे राज किए। क्या फरमाया कि इसके पीछे राज क्या है? तो हजरत गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि जिस वक्त मेरी वालिदा ने मुझे घर से रवाना किया था, अल्लाह के दीन के लिए वक्फ किया था, तो मेरी वालदा ने मुझे एक नसीहत की थी कि बच्चे किसी भी हाल में झूठ ना बोलना, हमेशा सच बोलते रहना, सच्चाई पर कायम रहना, और तू सच बोलता रहेगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला तुम्हें कभी किसी हाल में रुसवा नहीं फरमाएगा। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या फरमाते हैं? हुज़ूर फरमाते हैं कि असिद को सच, हर हाल में सच बोलोगे तो तुम्हें उसके बदले में खुदा क्या करेगा? जन्नत अता फरमाएगा। फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसको मजीद आसान किया। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इज़ा सदकल अब्दु बर्रा। हुज़ूर ने फरमाया कि जड़ा शख्स सच बोलता है,
जो शख्स सच बोलता है, जो सच्चाई पर कायम रहता है, जो सच्चाई को अपनी जिंदगी का शियार बना लेता है, जो सच्चाई को अपनी जिंदगी का जो है वो हासिल बना लेता है, तो फरमाया कि यूं समझ लो कि एजा सदा का, जब बंदा सच बोलता, एजा सदा कल अब्दो, जब बंदा सच बोलता है बर्रा, तो वो ये समझ ले कि खुदा ने उसनों नेकी दे रास्ते ते ला छोड़े। जब बंदा सच बोलता है तो वो यूं समझ ले कि खुदा ने उसको नेकी के रास्ते पर फायज कर लिया है, अल्लाह ने उसके लिए नेकी का रास्ता मुंतहब कर लिया है। और हुजूर ने फरमाया कि एजा बर्रा आमिना, हुजूर ने फरमाया कि जड़ा बंदा सच बोले ना और अल्लाह उसको नेकी के रास्ते पर लगा देता है, और जो नेकी के रास्ते पर कायम हो जाता है आमेना, तो अल्लाह ताला उसको दुनिया में हर बला से, हर मुसीबत से, हर खौफ से अमन अता फरमाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि कुरान करीम फुरकान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहां औलिया अल्लाह के फजाइल को बयान फरमाया, उनके मनाकिब को बयान फरमाया, उनकी अजमत को बयान फरमाया, वहां अल्लाह ने फरमाया कि अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, फरमाया कि जो अल्लाह का वली होता है उस पर ना दुनिया में कोई खौफ होगा ना आखरत में वो गमगीन होगा। क्यों? कि दुनिया के बड़े से बड़े तूफान, बड़े से बड़े इब्तलाएं, बड़े से बड़े जलजले, बड़े से बड़े तूफान वो उसको उसको बेखौफ नहीं कर सकते, उसको उसको परेशान नहीं कर सकते। क्यों? कि वो सच्चाई के रास्ते और नेकी के रास्ते पर है। वो जिंदा रहेगा तो फिर भी नेकी की खुशबू फैलाएगा, जिंदा रहेगा तो सच की खुशबू फैलाएगा, जिंदा रहेगा तो लोगों को दीन की तरफ बुलाएगा, और दुनिया से चला जाएगा तो उसके उसका अमल लोगों के लिए नूर बन जाएगा, हिदायत बन जाएगा, रोशनी बन जाएगा। जिस तरीके के आज आप देख सकते हैं सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हमारे दरमियान नहीं, लेकिन उनकी तालीमात मौजूद हैं। हज़रत दाता अली हजवेरी इस वक्त बज़ाहिर दुनियावी तौर पर हमारे दरमियान मौजूद नहीं, लेकिन तालीमात दाता मौजूद हैं। इसी तरीके से इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह अलैह बज़ाहिर दुनिया में मौजूद नहीं, लेकिन उनकी तालीमात आज भी इंसानियत को रहनुमाई कर रही हैं। इसी तरीके से जो है वो हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह बज़ाहिर दुनिया में मौजूद नहीं, लेकिन जो है वो उनकी तालीमात आज भी मौजूद हैं। इसलिए हजरत महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि अगर किसी इंसान को मुर्शिद की तलाश में हो, किसी इंसान को हदायत की तलाश में हो, तो बज़ाहिर अगर उसे कुछ दुनिया में कोई ऐसा शख्स ना नज़र आए या किसी शख्स को पहचान ना सके, तो आपने फरमाया वो दाता साहब की कशफुल माजूब को पढ़ ले, वो उसके लिए हदायत का ज़रिया बन जाएगी। ये तालीमात हैं ओलिया की, सूफिया की, कि दुनिया में रहें या ना रहें उनकी बातों को खुदा उसी तरह जो है मखलूक खुदा के लिए रहनमाई का जरिया बना लेता है। हुजूर ने फरमाया कि वह इज़ा बर्रा आमिना, जब बंदा नेकी पर कायम होता है तो वो अमन में आ जाता है। वह इज़ा आमिना, और जब वो अमन में रहता है, नेकी पे रास्ते पर कायम रहता है, सच्चाई के रास्ते में कायम रहता है, और अल्लाह ताला उसे दुनियावी तमाम जो है वो अनवार और तजल्लियात का अपना मज़र बना देता है, तो फिर क्या होता है? फरमाया दाखलल जन्ना, खुदा बंदे को दूस उस बंदे को सिर्फ इस अमल की वजह से जन्नत में दाखिल फरमा देता है। ना सिर्फ खुद जन्नत में जाता है बल्कि उसके साथ जो उसके वाबस्तगान होते हैं उनको भी अपने साथ जन्नत में लेकर जाता है। इसलिए सूफिया इकराम फरमाते हैं, उलमा इकराम फरमाते हैं, मुहद्दिसीन फरमाते हैं, मुफस्सरीन फरमाते हैं कि आपको अल्लाह ताला ने जिंदगी के जिस शोबे से भी रखा है, आपके जिम्मा चाहे और कुछ नहीं, कम से कम अपने घर की तो ड्यूटी होती है ना अपने बंदे, तो फरमाया कि हर हाल में इंसान सच्चाई पर कायम रहे, सच को अपनी जिंदगी का शियार बनाए, जो सच्चाई पर कायम रहा। फिर इसी हदीस का दूसरा हिस्सा है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फिर उस शख्स ने दूसरा सवाल किया, उसने सवाल किया कि या रसूल अल्लाह मा अमिलुन नार, या रसूल अल्लाह जहन्नम में ले जाने वाला कौन सा अमल है, वो भी बता दें ताकि हम उससे बचें और हम जहन्नम की आग से बच सकें। तो काला पस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया अल किज़्ब, हुजूर ने फरमाया जहन्नम में ले जाने वाले आमाल में
सबसे पहला जो अमल है जो इंसान को जहन्नम में ले जाता है वो क्या है? वो फरमाया वो झूठ है। फरमाया कि इजा कज़ब अल अब्दु फजारा, हुजूर ने फरमाया कि जब बंदा झूठ बोलता है तो वो गुनाह के रास्ते पर फायज हो जाता है। क्या हो जाता है? अच्छा, जब गुनाह की दलदल में बंदा फंस जाए ना, फिर वो आपने सुना होगा ना कि एक बात एक मशहूर है कि एक झूठ नु छुपान वास्ते 100 झूठ बोलना पेने बंदे नु। ये बात मशहूर है या नहीं है? अब ये इसी हदीस के जरिए हमारे जो पुराने बुजुर्ग हैं, औलिया अल्लाह हैं, उन्होंने ये इसका नतीजा निकाला है कि देखो जब बंदा झूठ बोलता है ना, तो मसलन किसी कोई खिलाफ वाकया बात कर ले तो उसके सामने दूसरे बंदे के सामने सच्चाई आ जाए। अब वो अपने उस झूठ को साबित करने के लिए फिर चारों तरह के बहाने बनाएगा, तरह तरह की जनाब, वो एक झूठ को छुपाते छुपाते कई झूठ जो है वो बोलेगा। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इज़ा कज़ब अल अब्दु, जब बंदा झूठ बोलना शुरू हो जाता है तो फजारा, तो वो गुनाह के रास्ते पर कायम रहता है। फ़ाइज़ा फजारा कफारा, हुजूर ने फरमाया कि जड़ा झूठा शख्स है ना, वो झूठ बोल बोल के उसका दिल इतना स्याह हो जाता है कि एक वक्त ऐसा आता है कि उस वो झूठ उसके मुंह से कुफर जो है वो अपने मुंह से कुफर बक लेता है, वो झूठ उसको कुफर तक पहुंचा देता है और वो काफिर हो जाता है। और फरमाया कि जब झूठ उसे कुफर तक पहुंचा दे, वह इजा कफारा दाखला यानी अन्नार, तो जब बंदा कुफर की रास्ते पर झूठ के रास्ते पर फायज हो जाता है, तो जब उसके एंड पर पहुंचता है तो आगे जहन्नम का गड़ा होता है। इसी तरीके से जब बंदा सच के रास्ते पर चलता है, सच्चाई पर कायम रहता है, तो फिर क्या होता है? फिर आगे जन्नत, 7-8 जन्नतें अपने अल्लाह की नियामतें लेकर उसका इस्तकबाल कर रही होती हैं। तो ये हदीस लिखने के बाद हुजूर दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि इंसान अगर जिंदगी में अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में कामयाबी हासिल करना चाहता है, जिस दुनिया में तू रह रहा है उस दुनिया में कामयाबी हासिल करना चाहता है, जो जिंदगी तूने इख्तियार की हुई है, चाहे वो दुनियावी जिंदगी हो या उखरवी जिंदगी हो, अगर तू उस दुनिया के अंदर उस जिंदगी के अंदर कामयाबी चाहता है, तो फरमाया किसी भी हाल में झूठ ना बोल। फरमाया जब इंसान झूठ से महफूज रहेगा, झूठ से अपने आप को बचा के रखेगा और सच्चाई को अपनी जिंदगी का शियार बनाएगा, इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीन आमनु तक्कुल्ला, ए ईमान वालों हर हाल में खुदा से डरते रहो, और वकूनु मास्सादिकीन, और वो लोग जिड़े सच्चाई दे सच्चे हैं, उन सच्चे लोगों के दामन को ना छोड़ना, उनकी मजलस को ना छोड़ना, उनकी सोबत को ना छोड़ना। क्यों? जब तुम उनसे वाबस्ता होंगे ना, अगर तुम गुनागार भी हुए फिर भी खुदाबंदे कुद्दूस उनकी निस्बत के सदके तुम्हें जो है वो तुम्हारी बख्शिश को यकीनी बना लेगा। यही वजह है कि आपने देखा होगा कि आज भी औलिया अल्लाह के आप मज़ारात के ऊपर देखें, औलिया अल्लाह की मजालिस के अंदर देखें, आज भी हजारों लाखों लोग के इज्तिमात मौजूद हैं। 3 से आला हजरत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स जारी है, आगे 24 और 25 सफर को आला हजरत इमाम अहमद रजा का उर्स होगा, इसी तरीके से जो है मजद्दद अल्फ सानी का उर्स है, इसी तरीके और ये जितने भी इन बुजुर्गों के उर्स इसी सफर के महीने के अंदर हैं। आप जिस दरगाह के ऊपर जाएंगे आपको लाखों लोग नजर आएंगे या नहीं आएंगे? लाखों लोग वहां नजर आएंगे, वहां उलमा बयानात कर रहे हैं, सनाखान सनाखवानी कर रहे हैं, खुदा के जिक्र के सोते फूट रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि ये उनका वो अमल है जो खुदा की बारगाह के अंदर मकबूल हुआ। इसी तरीके से दूसरी हदीस है, हजरत माज बिन जबर रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि अन्नहु काला ले रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हीना बासहु इलल यमन, नबी अलैहिस्सलाम ने जब रियासत मदीना कायम हो गई, मुख्तलिफ इलाके जब आज़ाद होते ना, तो नबी अलैहिस्सलाम अपने सहाबा में से किसी की ड्यूटी लगाते कि आपको फलां जगह का गवर्नर बनाया जाता है, आप फलां जगह पे चले जाएं और वहां जाके लोगों को इस्लाम की दावत भी दें और दीन की तबलीग भी करें। तो फरमाया कि जब यमन आज़ाद हुआ, क्या हुआ?
یمن آزاد ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا. اپنی حیات میں حضور نے حضرت معاذ بن جبل سے کہا کہ آپ یمن چلے جائیں, وہاں کے لوگوں کی دینی رہنمائی کریں, ان کے وہاں کے لوگوں کی تبلیغ کریں, وہاں کے لوگوں کو نماز پڑھائیں, وہاں کے لوگوں کو دین بتاتے رہیں. تو حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ جب میں رسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر یمن کے لیے روانہ ہونے لگا تو میں نے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آپ کا دیدار کیا, آپ سے ملاقات کی, تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آسینی, یا رسول اللہ آپ سے جدا ہو رہا ہوں, آپ نے ڈیوٹی لگا دی ہے تو آپ کے حکم کے مطابق میں ڈیوٹی پر یمن جا رہا ہوں, آسینی, اے اللہ کے حبیب میں نے کوئی ایسی وصیت کرو کہ میں اگر یمن میں, یمن حالانکہ مدینہ سے کتنا دور ہے لیکن میں وہاں پر بھی جاؤں تو میں جو ہے وہ میرا آپ سے نہ رابطہ کٹے اور جو ہے وہ میں دین پر قائم رہوں اور آپ کی صحبت کی برکات بھی مجھے نصیب ہوتی رہیں, مجھے کوئی نصیحت کریں تاکہ میں وہاں رہ کر اس پر عمل کروں تاکہ میں راہ حق سے کہیں آگے پیچھے نہ ہو سکوں. تو جب انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی وصیت کریں تو قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبر رضی اللہ تعالی عنہ کو دو وصیتیں کی. کیا کی ہیں؟ حضور نے پہلی وصیت کیا کہ حضور نے فرمایا کہ اخلص دینک, حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے تمہیں دین کی جتنی روشنی عطا فرمائی ہے, تمہیں دین کا جتنا علم عطا فرمایا ہے, فرمایا اس کے اندر مخلص ہو جانا. کیا کرنا؟ فرمایا اپنے دین کا جو بھی عمل کرے, نیکی کا جو بھی عمل کرے, عبادات ہوں, تلاوت قرآن ہو, معاملات ہوں, کیونکہ آپ کا حاکم بنا کر بھیجا جا رہا تھا, یمن کے گورنر کے طور پر آپ کا تعین ہو رہا تھا, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے دین میں مخلص رہنا. کیا مطلب؟ کہ کوئی بھی عمل سچائی سے خالی نہیں ہونا چاہیے, اخلاص پیدا کرنا اپنے عمل کے اندر, ایک بات. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یکفی کا عمل القلیل, حضور نے فرمایا عمل چاہے تھوڑا ہوئے لیکن اگر عہدے وچ سچائی اور خلوص ہوئے تو وہ عمل انسان کے لیے کافی ہے. تھوڑا عمل بھی انسان کے لیے, اس کی نجات کے لیے کافی ہے, شرط یہ ہے کہ اس عمل کے اندر اخلاص ہو. کیا مطلب؟ اس لیے فرمایا کہ دیکھیں قرآن پاک کے اندر آتا ہے نا سورہ اور آیت الذی یکذب بالدین کے اندر, اس کے آخر میں آنا کہ فوائل للمصلین, نمازیوں واسطے خرابی ہے. ان بندہ سوچے جو نماز بھی پڑھے بندہ تو خرابی بھی ہے کہ آگے اس کے مطابق اللہ نے فرمایا کہ ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے جو اپنی نماز میں دکھاوا کرتے ہیں, عمل میں دکھاوا کرتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ وہ عمل جو اخلاص پر فائز ہوگا, وہ عمل جو دکھاوے پر سے پاک ہوگا, وہ عمل جو ریا سے پاک ہوگا, فرمایا وہ عمل انسان کو کبھی بھی جو ہے وہ جو رائے حق سے ہٹنے نہیں دیتا. اس لیے فرمایا, ایک اور حدیث کا مفہوم ہے, حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کا منظر ہوگا جو ہے وہ نمازی کو لایا جائے گا اور اس کی نمازوں کا حساب کیا جائے گا, وہ پانچ وقت کا نمازی بھی تھا جی, سب لوگ گواہی بھی دیں گے, تو اب اس کے دل کے راز کا تو اللہ واقف ہے نا, کوئی بندہ تو واقف نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا, اللہ فرمائے گا کہ اس کو جہنم میں لے جاؤ. حضور نے فرمایا وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں سوال کرے گا کہ بارے الہ میں نے نمازیں پڑھی ہیں اور میرے ساری مسجد دے نمازی میرے گواہ ہیں کہ میں پانچ وقت دے نماز پڑھتا سا. اللہ فرمائے گا کہ بالکل تو نے نمازیں پڑھی ہیں لیکن تیری نیت یہ تھی کہ میں نے لوگ کہیں کہ بڑا نمازی اور بڑا حاجی صاحب ہے, بڑا نمازی ہے, تو نے اس ذریعے سے عمل کیوں نہیں کیا کہ میں خدا کا بندہ ہوں, اللہ پر ایمان لے کر آیا ہوں, خدا میرے اس سجدے کو قبول کر لے. اسی طریقے سے فرمایا شہید کو لایا جائے گا اگر اس کے عمل میں دکھاوا ہے تو اسے کہا جائے گا. اسی طریقے سے مختلف, اس لیے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے عمل کے اندر اس طرح اخلاص پیدا کرو کہ جس بندے کے اندر سچائی اور اخلاص موجود ہوگا اس بندے کو اللہ تعالیٰ نہ دنیا میں رسوا کرے گا نہ آخرت میں رسوا کرے گا. سچا بندہ ہوئے تو اس نے کی خوف ہے جی,
इसलिए बाज लोग होते हैं कि वो जरा जरा से अपने मफाद की खातिर झूठ बोलते हैं, फिर उस झूठ को छिपाने के लिए 50 और झूठ बोलते हैं। तो इसलिए उलमा और मुहदिसी ने लिखा कि सूफिया इकराम जितने भी औलिया अल्लाह हैं उनकी वलायत का मदार सच्चाई पर अल्लाह ने कायम किया। और सच्चाई क्या है कि इंसान का जाहिर भी खालिस हो, उसका बातिन भी खालिस हो। इसलिए अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा की अलामत क्या बयान फरमाई है कि वह युज़क्कीहिम, नबी पाक की बारगाह में पहुंचने वाले जो सहाबा थे उनको निगाह मुस्तफ़ा की वजह से अल्लाह ने उनका जाहिर भी पाक कर दिया था, बातिन भी पाक कर दिया। जाहिर और बातिन पाक कब होता है? जब इंसान सच्चा हो, सच्चाई पर कायम रहे। और यही सच्चाई नबी पाक के 1.25 लाख सहाबा ने इस रास्ते को इख्तियार किया, इसी सच्चाई के रास्ते को ताबेईन ने इख्तियार किया, इसी सच्चाई के रास्ते को आइमाए मुजतहिदीन ने इख्तियार किया, इसी सच्चाई के रास्ते को तमाम सलासुल के औलियाए कामिलीन ने इस्तेमाल किया, इसी सच्चाई के रास्ते को उलमाए आमिलीन ने इस्तेमाल किया, इसी सच्चाई के रास्ते को जो है इबादत का सालेहीन ने इस्तेमाल किया। इसलिए मेरे दोस्तों, जिंदगी का कोई पता नहीं कहाँ ख़त्म होती है, लेकिन कम अज़ कम जो अमल हम अपने लिए करते हैं उसमें तो हम मुखलिस हो ना। इसलिए हदीस के अंदर नबी पाक ने फरमाया, चुगली की सजा बयान की है, गीबत की सजा बयान की है, हसद की सजा बयान की है। क्यों? ये सारी वो बीमारियां हैं जो सच्चाई के ऊपर डाका पट डालती हैं। मतलब एक बंदा किसी से हसद करता है, वो दिल ही दिल में उसके लिए बुरा कहता है ना। अच्छा, जिसके लिए हसद कर रहा है, हुजूर ने फरमाया कि हसद इंसान की नेकियों को इस तरह खा जाती है जिस तरह खुश्क घास या खुश्क लकड़ी को आग खा जाती है। तो इस तरह बंदा जो किसी से हसद करता है तो वो दिल ही दिल में उसके लिए बुरा सोच रहा होता है। वो जिसके लिए बुरा सोच रहा है उसकी नेकियों में अल्लाह इजाफा कर रहा है और वो अपनी नेकियों को जाया कर रहा है। इसलिए फरमाया कि जो बंदा नेकी के रास्ते पर कायम रहे, वो सच्चाई और इखलास के रास्ते पर को कभी ना छोड़े, अल्लाह ताला उसको ना दुनिया में रुसवा करेगा ना आखरत में। ला इलाहा